Welcome to Mandhan Academy. JEE fever is over. Now it's time to prepare for Maharashtra CET. जैसे कि आप सब लोग जानते हो, CET का एक अपडेटेड पैटर्न हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है। दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगी, एग्जाम ऑनलाइन रहेगी और पेपर में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, सो लेट्स बिगिन। एग्जाम्स की जो डेट रहेगी, इट इज इन बिटवीन 2nd to 13th of May और एग्जामिनेशन इस बार टू शिफ्ट में कंडक्ट होने जा रहा है। जैसे कि 10th तक आपने कोई ऑनलाइन मोड में एग्जाम नहीं दिया था, हमारा जो महाराष्ट्र सीईटी है ये ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं। और मेजर चेंजेस ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको एक स्लॉट मिलेगा 90 मिनट्स का और मैथ्स का सेपरेट स्लॉट मिलेगा 90 मिनट्स का। पहले ऐसा हुआ करता था, बच्चे पेपर को अटेम्प्ट करते थे, एक साथ आपको सारे क्वेश्चन मिलते थे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बचा हुआ टाइम आप मैथ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार ऐसा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको जो स्लॉट मिलेगा 90 मिनट्स का, दैट्स इट। अगर उसमें 10 मिनट बचते हैं, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन मैथ्स, क्योंकि इस बार सेक्शनल टाइमिंग मिल रहा है। दैट्स द बिग अपडेट। सिलेबस में भी थोड़े से चेंजेस देखने को आए हैं। एक्चुअली 11th के सिलेबस का 20% वेटेज है। देयर इज अ बिग क्वेश्चन, सर 11th का क्वेश्चन पेपर में से 20% आएगा, तो वो चैप्टर कौन से हैं? देखिए, स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज इफेक्टिव ऑन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करें बट स्मार्ट वर्क के साथ, तो आपका फायदा होगा। 11th के सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, ये सिलेक्टिव चैप्टर्स आपको करने हैं। बिकॉज इससे होगा क्या कि 11th में आप देख सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पे जो चैप्टर है, सिर्फ इन्हीं चैप्टर से ही क्वेश्चन डायरेक्टली आने वाले हैं। व्हाट अबाउट 12th सिलेबस? 12th के सिलेबस से पूरा आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेरे सामने एक बुक भी है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक, आई लव इट। 100 से ज्यादा बार मैंने सॉल्व किए, आई लिटरली लव इट, मुझे बहुत पसंद है बुक। सो बेसिकली जो 12th का सिलेबस है ये पूरा का पूरा आने वाला है, ठीक है। और जो 11th का सिलेबस है उसमें से 20% आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सिलेबस में से 20% आएगा, ये सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो 20% पे आएंगे, तो सिर्फ आप इन्हें ही प्रिपेयर करें। दूसरी बात, जो एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल है ना, इट्स मॉडरेट, तो जितना हो सके आप स्टेट बोर्ड इससे थोड़े से ज्यादा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें। अदरवाइज अगर आप टफ क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो एग्जाम में आपको इसका कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है तो बोर्ड लेवल या बोर्ड से थोड़े से अच्छे लेवल के जरूर क्वेश्चन करें। अदरवाइज अगर आप ज्यादा टफ या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे टाइम लगा रहे हो, दैट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगी। आपको एक बात ख्याल में रख के चलनी है कि हर ऑप्शन पे 4 MCQ रहेंगे। और फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र हमारे ऊपर इतना मेहरबान है, महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, सो देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग। सो होपफुली आई गेस अगर आप सारे ऑप्शन ए स्टैंड फॉर AK मंदान टिक करके आते हो, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है यू विल गेट 25% मार्क्स, दैट इज इक्वल टू 50 मार्क्स आउट ऑफ 200। सो अच्छा है, दैट्स द लवली थिंग अबाउट महाराष्ट्र सीईटी। चल रहा है, चलने दो, ठीक है। जेई इतने सालों से नेगेटिव मार्किंग रख रही है, WBJEE में भी आई गेस नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे तो ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड है, अपना ही बोर्ड है, ओके। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें अपियर करने वाले हैं। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऑल द स्टेट वाइज। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सिटी में महाराष्ट्र के बच्चे अपियर करेंगे, ये है स्टेट वाइज डेटा, जहां जहां से लोगों ने अप्लाई किया है। व्हाट अबाउट सिटी वाइज? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सिटी वाइज इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे महाराष्ट्र सिटी में अपियर करने वाले हैं। वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सक्सेस। महाराष्ट्र सिटी के लिए नेक्स्ट 20 डेज तक मैं रिलीजियसली हार्डवर्क करूंगा और स्मार्ट वर्क करूंगा सिर्फ आपके लिए, आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। जो बन पड़ा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर रेडी टू एक्सेप्टेड। आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेजेस में होता है, टॉप मुंबई के और पुणे के कॉलेजेस में होता है, दैट्स द प्राउड मोमेंट फॉर अस, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। सो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, लेट अस नो। इस चैनल पर
मैं कमिटमेंट देता हूं कि नेक्स्ट 20 डेज तक हम जबरदस्त रिवीजन आपको करवाएंगे. वी विल प्रोवाइड एवरी पॉसिबल स्टडी गाइडेंस ऑन दिस चैनल, सो स्टे इन टच विद अस. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं. इट्स टाइम टू क्रैक सीईटी, लेट द फन बिगिन. इस प्रिपरेशन को कुछ ऐसे करते हैं कि आपके लिए यादगार बन जाए. एंड वॉट इज द अमेजिंग लवली एंड फन थिंग अबाउट सीईटी इज दैट डिफिकल्टी लेवल इज यू नो बोर्ड लेवल, बोर्ड से हल्का सा 10-15% ज्यादा आप समझ लो इसी लेवल पे डिफिकल्टी है. दैट मींस अगर आपने बोर्ड की एग्जाम दी है तो सीईटी की प्रिपरेशन हो चुकी है कुछ हद तक. आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी लगेगा जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे. हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्मार्ट गाइडेंस, आपको करना है उस पर हार्डवर्क. तो अगर स्मार्ट एरियाज पे हार्डवर्क अप्लाई करोगे, आई विश यू कैन स्कोर 180 प्लस इन सीईटी. यस, एंड दैट्स द पॉसिबल थिंग. ये हो सकता है अगर आपके एफर्ट्स डेडिकेटेड है. अगर लास्ट के आप 20 डेज भी ढंग से पढ़ाई करो, हार्डवर्क अलॉन्ग विद अवर स्मार्ट गाइडेंस, यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स. अपनी एम्बिशंस को थोड़ा सा हाई रखें, अपने से एफर्ट ज्यादा लें, हम कुछ बेहतर जरूर कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए दिस इज AK मन्नान, ओवर एंड आउट.